जहां एक तरफ बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है और महिलाओं को लेकर बड़े वादे और दावे करती है, वहीं जनपद शामली में एक किशोरी के साथ बलात्कार करने की कोशिश और मारपीट होने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या नाम दुआ ना? मीनाक्षी। मीनाक्षी, जो अस्पताल में आई हो जिंजाना और आपकी चोट लगी हुई है, क्या मामला है पूरा? मैं घर पे थी अकेली, मजदूरी करते हैं मेरे पापा। कौन से गांव की हो? हसनपुर की हूँ मैं। हसनपुर? हाँ, मेरे पापा मजदूरी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे घर खाना बनाने के लिए भेजा था। मैं छत पे गई, छत पे से नीचे आके देखा कि नीट वो कल्लू है और उसका नाम सोनू है, मेरे घर में पड़े हुए थे। मैंने पूछा कि भाई क्या कर रहे तुम यहाँ, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं जवाब दिया और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी और मुझे ऐसे सिर में चोट मार दी उन्होंने। मेरा घर वाला है, मेरा भाई आया छोटे वाला, उसने मुझे बचाया और इसको भी मारा पीटा। मेरे छोटा मम्मी आई, मम्मी को भी मारा और पापा आए, पापा को भी हाथ तोड़ दिया उन्होंने। कहाँ के हैं लड़के? में ये लड़के हमारे गांव के ही हैं, हमारे पड़ोस में ही रह रहे हैं। पड़ोस में रहते हैं? कोई पहले आपके साथ कुछ हुआ बात हुई हो पहले? नहीं, हमारे साथ कुछ पहले कोई बात नहीं थी। जैसा बता रहे हैं कि पापा बता रहे हैं आपके कि पैसे वैसे कितने? हाँ, 17,000 रुपये थे, वो भी निकाल लिए उन्होंने। अच्छा, 17,500 रुपये थे, वो भी निकाल लिए और बाहर कुबाड़ा खिंडा के बोल दे कि कुबाड़े पे झगड़ा हुआ है। कब की घटना है? 15 तारीख की शाम को 5 बजे की घटना है। तो आपने पुलिस में तहरीर दी थी? हाँ, हमने पुलिस में तहरीर दी थी लेकिन कोई सुनवाई। कहाँ पे? ये जिंजाना पुलिस थाना है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या करे पुलिस, क्या करी? तो बस कोई जवाब ही नहीं देती है, अगर हम कुछ पूछते हैं तो धमकाती है। आप कोई धमकाते हैं? हाँ, मैं खुद आप को धमका देते हैं। क्या नाम तुम्हारा? मीनाक्षी नाम। पापा का नाम? प्रताप। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद शामली के थाना झुंझाना क्षेत्र के गांव कोशंगपुर का है, जहां घर में अकेली युवती को देखकर गांव के ही 3 युवक बुरी नीयत से घर में घुस गए। युवती द्वारा विरोध करने पर मारपीट करते हुए युवती के कपड़े भी फाड़ डाले। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उक्त युवक घर में रखे 17,500 रुपए और एक मोबाइल फोन उठाकर ले गए। वही मौके पर पहुंचे युवती के माता पिता को भी घायल कर दिया। घायलों को पड़ोसियों ने झुंझाना CHC में भर्ती कराया, जहां से उन्हें गंभीर हालात के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम प्रताप है। गांव का नाम? गांव का नाम है जी हसनपुर। आप अपनी लड़की के साथ और आप अस्पताल में आए हो यहाँ से? हाँ। क्या पूरा मामला है? चोट लगी हुई है? चोट लगी हुई है, हम बहुत गंभीर से पिटे हुए हैं जी और हम 15 तारीख से जी यहाँ से भर्ती हैं जी अस्पताल में। क्या मामला, क्या बात? मामला जी है जी, हम मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके हम अपने घर को आए जी। लड़की के साथ में मेरी, उन्होंने, लड़का एक सोनू है जी, एक कल्लू है, उन्होंने बदतमीजी करी जी। किसके साथ करी? लड़की मीनाक्षी। क्या नाम? लड़की मीनाक्षी है जी, जो बदतमीजी से उन्होंने लगते कपड़े पाड़े जी उसके साथ में और जी उसको सर पाड़ा और जो है जी लगते पाड़े तो उसकी मतलब जो है जी बेइज्जती करने की संभावना उन्होंने करी कोशिश। अच्छा। तो जब उनकी मम्मी आई तो उनकी मम्मी पर भी लटवा जाते जी और जी फिर मेरा लड़का आया जी उसको भी लटवा जा और उसके बाद मैं जी मैं भट्टे पर से पटेल करके आता जी, उन्होंने मेरे भी लटवा जा जी, मेरे हाथ वो तोड़ गए जी। तो तुमने पुलिस में तहरीर दी? मैंने पुलिस में तहरीर दी थी जी। कहाँ पे? झिंझाना में जी, कोतवाल में। अच्छा। कोतवाली को दी थी जी, मतलब उन्होंने मेरी कोई कार्रवाई से नहीं सुनी, मुझे धमका में छोड़ते ही। कौन धमका में था? ये दरोगा गजराज सिंह ने मुझे परसों में बुलाया था जी, उन्होंने मुझे धमकाया, कहना क्या बात है भाई इसमें से ये कटवा कुछ कनेक्शन, इसलिए जो रिपोर्ट में है कोई बात गलत थी, ये बात कटवा गलत और जो है दूसरी बात लिखा। अच्छा अच्छा, तहरीर बदलने के लिए कह रहे थे? हाँ जी, उन्होंने मुझे ये बात कही, कहना फिर वो कहने लगे उनको मैं नहीं कह रहा। कौन सी तारीख का मामला है? ये 15 तारीख का मामला है जी। तो अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं करी जी। तो आपने अधिकारियों को नहीं बताया? कप्तान साहब? अधिकारी को कहा था जी, कोतवाल साहब को, मगर साहब यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी और जी ना कोई पुलिस वाला नहीं आया। तो उन्होंने ये कहा, कहना उनको भाई उनको मतलब उनको हमने तहरीर लिख भेज रखी है एप्लीकेशन, उनको तुम्हारी सुनवाई हो। कौन थे लड़के में? लड़के जी एक सोनू नाम का है लड़का, एक कल्लू है जी, एक नीटू नाम का है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव हसनपुर के रहने वाले हैं, एक उनकी लड़की है जी। और तो आपकी पहली कोई रंजिश थी, कोई विवाद था आपके उनके साथ? नहीं जी, हमारा कोई गैर विरोध नहीं था जी, जो है उन्होंने कबाड़ा कचरा मारे यहाँ से घरों घेरा, घरों घेरने के बाद में मेरी लड़की ने अंदर कमरे में से पकड़ी जी। तो घर में से कुछ और नुकसान आपका? घर में से मेरे 17,500 रुपये निकाल रखे जी, एक लड़के का मोबाइल था जी सैमसंग का, वो निकाल रखा। उसी चीज़ के ऊपर मेरी लड़की ने उनकी कोड़ी भरी, कहने भाई क्या कर रहे तुमने, क्या करा मेरे घर में, तो उसी कारण मतलब मेरी लड़की को जी वारदात करी, उन्होंने लगते कपड़े पड़े सिर्फ फाड़ दिए।
फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती है या फिर नहीं।